आकाश फल समझ मारुति उसे खाने तीव्र गति से उड़ान भरते हैं, जिस कारण बुध और शुक्र की दिशा भी प्रभावित हो जाती है। इधर सूर्य को जब अरुण देव से किसी अज्ञात द्वारा उनके सूर्य मंडल में प्रवेश करने की सूचना मिलती है, सूर्य देव उसे दंडित करने काल देव को भेजते हैं। वहीं दूसरी तरफ वानर राज केसरी का तुलादान होता है और मारुति को भी हवन में आहुति देने के लिए बुलाया जाता है। आ रहा है मारुति अपना आकाश फल खाने। स्वामी, आपकी मौन मुखाकृति किस ओर इंगित कर रही है? महादेवी, मारुति के इस कठिन एवं दीर्घ यात्रा का उद्देश्य मारुति के भविष्य और जगत के कल्याण से जुड़ा है। किंतु सूर्य देव को मात्र एक फल समझकर खाने के लिए इतनी लंबी यात्रा, इससे तो मारुति के जीवन पर संकट आ सकता है। देवेश्वर, आप कह रहे हैं कि इससे जगत का कल्याण जुड़ा है? महादेवी, प्रत्येक यात्रा, वह बड़ी हो या छोटी, अवश्य ही कोई ना कोई परिणाम देती है। मारुति की ये यात्रा बड़े और अच्छे उद्देश्य के लिए, बड़े और लोक कल्याणकारी उद्देश्य के लिए मूल्य भी बड़ा चुकाना पड़ता है। किंतु देवेश्वर, मारुति अभी बालक है, मुझे भय है कि इसका परिणाम कहीं असहनीय ना हो जाए। फिर से बड़ा और चमकीला गोला आ रहा है। सावधान बालक। हाँ? तुम्हारे समक्ष स्वयं कालदेव खड़े हैं। काल चक्र से तो पूरी सृष्टि परिचित है, कोई भी इस चक्र में नहीं पड़ना चाहता, किंतु तुम तो स्वयं मेरे इस चक्र के समीप आ रहे हो। ये तुम्हारा बालपन है। मुझे शीघ्र ही इस आकाश फल तक पहुंचना है और अपनी भूख मिटानी है और माँ की चिंता दूर करनी है। मारुति, मारुति गया? मारुति हर दिन तो जागते ही मेरे पास आता है, आज पता ही नहीं चला कब जागा कहां गया। मारुति, मारुति, ये तो टटहरी के चीखने की ध्वनि है। बिल्ली के रोने की आवाज,
पहले टिटहरी चिल्ला रही थी, अब ये बिल्ली के रोने का स्वर। आज ये अपशकुन क्यों हो रहे हैं? हे ईश्वर, रक्षा करना। ये ध्वनि कैसे? संपूर्ण आकाश में ये कैसे रखते माँ बाप? ऐसा विचित्र दृश्य तो मैं पहली बार देख रही हूं। अवश्य अंतरिक्ष में कुछ हुआ है। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भरत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भानु मार्ग पर धूम मचाई पूरे नगर। अरे ये क्या, ये बंधन कैसा? तुम जैसे छोटे से बालक के लिए मेरा ये छोटा सा बंधन, इसे भी तुम तोड़ नहीं पाओगे। काल के बंधन से मुक्त होना इतना सरल नहीं है अबोध बालक। वानर मुख को भी मिलाल है करते लीला महाकाल। जिनके केवल राम है नाम, वही बन गए काल के हाथ। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 सावधान बालक, वापस लौट जाओ बालक। किसी को भी यहां से आगे जाने की अनुमति नहीं है। क्यों? क्यों अनुमति नहीं है? और आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं काल देव हूं, ये क्षेत्र मेरे अधिकार में है और यहाँ से आगे जाना वर्जित है। किंतु मुझे भूख लगी है, मुझे उस आकाश फल को खाना है, तभी मेरी भूख मिटेगी और मेरी माँ का भी दुख दूर हो जाएगा। है?
सूर्यदेव और आकाशफल। देखो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं बालक, लौट जाओ। वो आकाशफल। कालदेव, आप तो देवता है ना? देवता तो सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं, किंतु आप देवता होकर भी एक भूखे बालक को भोजन करने से रोक रहे हैं। बालक, तुम्हें भूख लगी थी तो यहाँ क्यों चले आए? वापस घर लौट जाओ और अपनी माता जी से भोजन मांगो। माँ, मारुति को और भूख लगी है। महारानी जी, सारा भंडार रिक्त हो चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं। कैसे बताऊं? भोजन के लिए ही तो जा रहा हूँ, बिना भूख शांत किए वापस कैसे जा सकता हूँ? बहुत ही हठी हो तुम बालक, वापस लौट जाओ अन्यथा। हाँ, नारद जी ने बताया था मार्ग में अनेक बाधाएं आएंगी, पर ध्यान रहे उस तक पहुंचने के मार्ग में अनेक बाधाएं आएंगी, परंतु तुम्हें एकाग्र होकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। मार्ग में बाधाएं आएंगी, किंतु मैं भयभीत होकर मार्ग से वापस नहीं लौटूंगा। मुझे उस आकाश फल को खाना है और अपनी भूख मिटानी है। आप मेरे मार्ग से हट जाइए ना, जाइए ना। अबोध बालक, तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो कि तुम यहाँ तक पहुँच पाए, मेरे दर्शन हो पाए। मैं कालदेव हूँ और कालदेव के दर्शन जीवन के अंत में ही हो पाते हैं। पर मुझे तो हठी बालक, विधाता ब्रह्मदेव और अन्य देवता ये तो मात्र भाग्य दुर्भाग्य को निर्धारित करते हैं, किंतु मेरे हाथ में सभी के भाग्य दुर्भाग्य को लागू करने का अधिकार है। मेरे काल पथ पर प्रवेश कर तुम सब कुछ भूल जाओगे, भूख, माँ का दुख, सब कुछ। सोच में पड़ जाओगे कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं अनंत हूं, जिसका ना कोई आदि है ना अंत। अनंत हूं मैं, अनंत। किंतु मेरी भूख भी तो अनंत है, मिटती ही नहीं। मुझे जाने दीजिए ना, अपनी भूख मिटानी है। जब मेरी भूख मिट जाएगी तब वापस माँ के पास लौट जाऊंगा। तुम्हारा यही बाल हट तुम्हें तुम्हारी माँ के पास नहीं लौटने देगा। काल के गहन अंधकार में विलीन होकर रहोगे सदा के लिए। हे प्राणवल्लभ, कालदेव ने सोचा था मारुति एक अबोध बालक है, सहज ही बंधन में बंध जाएगा। उन्हें तो अनुमान ही नहीं था कि मारुति इतने शक्तिशाली है। प्रिय, ऊंट तब तक स्वयं को बड़ा ही समझता है जब तक वो पर्वत के नीचे नहीं आता, क्योंकि उसने तो कभी ग्रीवा उठाकर देखा ही नहीं। इसी प्रकार अभिमानी मनुष्य सबको अपने से निम्न ही समझता है, वो देख ही नहीं पाता कि उससे ऊपर भी कोई है। इसी प्रकार कालदेव भी मारुति को एक साधारण अबोध बालक ही समझ बैठे थे। Thank you.
महादेव, मारुति तो भय को मन का भ्रम मानते हैं, इसीलिए वे भयभीत नहीं हुए, किंतु कालदेव ने उन्हें अपने कालपथ पर डाल दिया है जो अनंत है। वे इससे कैसे पार पाएंगे? जिसने एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है महेश्वरी। दीपक की एक छोटी सी ज्योति भी गहन अंधकार को मिटा देती है। जल निरंतर बहते हुए चट्टानों को काट देता है। अबोध मारुति में भक्ति की असीम शक्ति भरी है। मां की वेदना मिटाने के लिए वे दृढ़ निश्चय करके चले और ये कालदेव मुझ महाकाल के सहायक मात्र है। किंतु मारुति मेरे अंश, यह है कालदेव और मारुति दोनों के लिए परीक्षा की घड़ी है देवी। महारानी जी, हमने युवराज को पूरे राजभवन में ढूंढा किंतु वो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिए। राजभवन में नहीं है, राजभवन में नहीं है तो कहाँ गया होगा? कहीं किसी संकट में पड़ गया तो? हे प्रभु, मेरे पुत्र मारुति की रक्षा करना। सूर्येन्दु ग्रहणम यावत् तावत् कुर्याजपादिकम्। क्या हुआ महारानी? मारुति का कुछ पता नहीं चल रहा, पूरा राजभवन देख लिया, वो कहीं नहीं मिला। राजन, आप अपने स्थान से नहीं उठ सकते। किंतु पुरोहित जी, मेरा पुत्र कहीं? बीच यज्ञ से उठना अशुभ होता है राजन। ये आपके परिवार और सारे राज्य के लिए हानिकारक हो सकता है।